हरियाणा के नूंह में सोमवार को हुए दो गुटों के बीच हुए विवाद के बाद जहां सांप्रदायिक तनाव की स्थिति बेकाबू हो गई थी, वहीं इस पूरे घटनाक्रम के दौरान सैकड़ों गाड़ियों को उत्पाती होने के आग के हवाले कर दिया और दो होमगार्ड के जवान इस भगदड़ के दौरान मारे गए। साथ ही नूह से जुड़े साइबर थाने पर भी उपद्रवियों ने हमला करते हुए तोड़फोड़ कर दी, जिसके बाद से हरियाणा सरकार सहित केंद्र से जुड़ी सरकार इस मुद्दे को लेकर सतर्क नजर आ रही है तथा तकरीबन 20 आरसीएफ की कंपनियां इलाके में तैनात कर दी गई हैं। साथ ही हरियाणा से जुड़े गृह मंत्री अनिल विज ने भी इस मामले में पहले शांति बनाए रखने की अपील की है, उसके बाद उत्पादकों के खिलाफ कार्रवाई किए जाने की बात कही। दूसरी तरफ राजस्थान के सिंहद्वार कहे जाने वाले अलवर का नौगावा क्षेत्र में नूह क्षेत्र से सटा हुआ, ऐसे में किसी प्रकार की स्थिति न बिगड़े इस बात को लेकर भी अलवर पुलिस अधीक्षक ने पूर्ण सतर्कता बरतते हुए निर्देश दे दिए हैं। देखिए, हमारे पुलिस थाना नौगावा का जो एरिया है वो नूह के बॉर्डरिंग है। घटना के बाद से हमने जो है एक कंपनी आरएसी को जो रामगढ़ सेक्टर है उसमें तैनात किया है और जो हमारा बॉर्डर है नूह से उस पर 24 आवर्स हम नाका लगाया है और जो सभी फील्ड ऑफिसर्स है एसएचओ सीओस उनको अलर्ट किया है, सभी लगातार राउंड कर रहे हैं और जो है पब्लिक और पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव से हम टच में हैं और हरियाणा के ऑफिसर से भी टच में हैं। वर्तमान में ऐसा कोई भी जो है इनपुट वो यहाँ पे अपने इलाके में नहीं है और अभी शांति बनी हुई है और हम निगरानी रखे हुए हैं स्थिति पर। बाहर से आने वालों को लेकर कोई निर्देश दिए गए हों कि जो हरियाणा साइड से आ रहे हैं उनकी एंट्री को लेकर किसी तरह? नहीं, हम चूँकि नाका है तो एक बार चेक करके और तसल्ली करके ही उसके बाद एंट्री दे रहे हैं।